सभी व्यूअर्स को मेरे छोटे से बालकोनी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने बालकोनी के कुछ प्लांट से मिलाने वाली हूँ कि किसका क्या प्रोग्रेस है और हमारे छोटे से बालकोनी कैसे दिख रहे हैं वो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। सामने गुड़हल का दिख रहा है फ्लावर, जो आज देखिए मेरे बालकोनी को एकदम फूलों से भर दिया है और कितने सुंदर दिख रहे हैं हमारे बालकोनी। दोस्तों, ये हाइब्रिड वाला गुड़हल का प्लांट है, जिसका फ्लावर ये देखिए कितने बड़े बड़े होते हैं। ये देखिए, ये एक साल पुराना प्लांट है मेरा और हमेशा दो तीन फ्लावर इसमें आते रहते हैं। और ये देसी वाला, ये देसी गुड़हल है जिसका फूल थोड़ा छोटा होता है। दोस्तों, इस प्लांट से तो आप पहले भी मिल चुके हैं। इसी पॉट से मैंने दो मूली का प्लांट पिछले सप्ताह निकाला है और आप लोगों को वीडियो बना के दिखाया। इसमें और भी मूली के पौधे इसमें लगे हैं, दिख रहे होंगे। चलिए, मैं खास प्लांट से मिलाने वाली हूँ जो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, इस भिंडी के ओकरा प्लांट से। ये देखिए, इसमें बस छोटे छोटे कलियाँ थी, ऐसा कलियाँ थी। अभी देखिए, इसमें भिंडी आ गया। एक सप्ताह बाद का ये अपडेट है या रिजल्ट है। ये देखिए, ये दो भिंडी और एक तीन भिंडी और बाकी सब कली है। ये देखिए, ये छोटे से पॉट में दोस्तों भिंडी और ये देखिए कितने सुंदर से प्रोग्रेस हो रहा है। ज़्यादा बड़ा भी भिंडी का प्लांट नहीं हुआ है। दोस्तों, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो पॉट में भी अच्छे से वेजिटेबल, साग और कुछ भी उगा सकते हैं। पहले कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि होता है कि नहीं। जब तक कोशिश नहीं करेंगे कैसे मालूम पड़ेगा कि पॉट में वेजिटेबल फ्रूट उग पाता है कि नहीं और उसका प्रोग्रेस कैसा होता है। फ्लावरिंग वाले प्लांट तो सब लोग लगाते हैं, वेजिटेबल भी लगा कर देखिए। हमने अभी तक शिमला मिर्च, मिर्ची और सेम, ये भिंडी, पालक, मूली, लाल भाजी ये सब लगाया है। और ये मेरा फर्स्ट भिंडी का प्लांट है जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, इसका वीडियो जो दिख रहा है। और इसके बाद मैं और भिंडी लगाने वाली हूँ। ये देखिए, ये खाली पॉट दिख रहा है लंबा वाला, मैं इसमें लगाने वाली हूँ। इसमें एक भिंडी का ये देखिए आपको प्लांट दिख रहा होगा, इसी में मैं भिंडी लगाने वाली हूँ और उसका सीडलिंग से लेके फ्रूटिंग तक का अपडेट आप लोगों को दिखाऊंगी। दोस्तों, कहने का मेरा ये मतलब है कि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप पॉट में भी, छोटे से जगह में भी अच्छे से अच्छे भाजी उगा सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल, साग हो या कोई वेजिटेबल हो। ये देखिए, एक सप्ताह बाद का इसका भी रिजल्ट देखिए। इसमें भी देखिए फ्लावरिंग किस जोर शोर से हो रहा है। ये देखिए ऊपर भी है। देखिए, इसमें भी अच्छे से फ्लावरिंग शुरू हो गया है। बरबट्टी में जब वेजिटेबल लगेंगे तो मैं आपको इसका अपडेट जरूर दिखाऊंगी। और नीचे में देखिए, नीचे मूली भी है। दोस्तों, मेरे कहने का यही मतलब है कि आप लोग भी अपने छोटे से बालकोनी में कुछ ना कुछ लगाइए, कोशिश कीजिए। फ्लावरिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो या साग का हो, कुछ भी हो, जो भी आपसे हो सके। और इस गार्डनिंग का मज़ा लीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि हमारे ये भिंडी का प्लांट आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि मैं फिर अगले
किसी और वेजिटेबल का प्लांट लगाऊं और वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाऊं कि पॉट में उसका क्या प्रोग्रेस होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।